मास्क नहीं पहना है। नमस्कार साथियों, नमस्कार साथियों, आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की इस विशेष पत्रकार वार्ता में उत्तर प्रदेश की प्रभारी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा जी का और आप सबका बहुत स्वागत है। प्रियंका जी, आज एक अत्यंत गंभीर विषय जो आस्था से भी जुड़ा है, भक्ति से भी जुड़ा है और प्रभु राम को दिए जा रहे भाजपाई धोखे से भी जुड़ा है, उसे लेकर आपके बीच में उपस्थित हैं। मैं बगैर किसी विलंब के उन्हें अनुरोध करूंगा कि वो अपनी बात आपके समक्ष रखेंगी। आदरणीय प्रियंका जी। जी, ये राम मंदिर ट्रस्ट द्वारा जो ज़मीनें खरीदी गई हैं इस विषय में है। आप सबको मालूम है, पूरे देश को मालूम है कि पूरे देश ने, देश के तकरीबन हर घर ने, गरीब परिवारों ने, महिलाओं ने जो बचत की थी उसमें से भी सब ने चंदा दी है इस ट्रस्ट के लिए और एक अभियान भी चलाया गया था चंदा इकट्ठा करने के लिए। घर घर गए, चंदा इकट्ठा किया। ये सबकी आस्था है और इस पर आज चोट पहुंचाई जा रही है। जो सुरजेवाला जी आपको फैक्ट्स इसके बाद सुनाएंगे, इससे स्पष्ट है कि तीन चीज़ें हुई हैं। एक, दलितों की ज़मीन जो खरीदी नहीं जा सकती थी वो खरीदी गई है, हड़पी गई है। दूसरा, कि कुछ ज़मीनें जो कम दाम की थी इस तरह से बेची गई कि ट्रस्ट को बहुत ज़्यादा पैसों के लिए बेची गई। इसका मतलब है कि जो चंदा का पैसा है उसके साथ घोटाला किया गया है, भ्रष्टाचार किया गया है। इसमें एक उदाहरण है जिससे ये बहुत स्पष्ट तरह से सामने आती है ये बात। एक ज़मीन थी जो 2017 में 2 करोड़ की किसी ने खरीदी, उन्होंने 2021 में उस ज़मीन के 10,000 वर्ग मीटर बेचे ट्रस्ट को, वो 8 करोड़ के लिए बेची वो ज़मीन। 10,000 वर्ग मीटर 8 करोड़ के लिए बेची। उस ज़मीन का दूसरा, उसी ज़मीन का दूसरा हिस्सा 12,000 वर्ग मीटर 2 करोड़ में किसी एक, नाम लिखा है तिवारी जी, किसी रवि मोहन तिवारी जी को 2 करोड़ में बेची गई। कब बेची? 19 मिनट बाद। ठीक है, तो जो दूसरी 12,000 स्क्वायर मीटर की ज़मीन है वो 2 करोड़ में रवि मोहन तिवारी जी खरीदते हैं, 19 मिनट बाद, सॉरी, इस सेल डीड में जो रवि मोहन तिवारी जी की सेल डीड है जिसके ज़रिए वो खरीद रहे हैं ये ज़मीन, उसमें अनिल मिश्रा जी जो सरसंघचालक हैं आरएसएस के और राम मंदिर ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं वो गवाह हैं। और उसमें दूसरे गवाह कौन है? ऋषिकेश उपाध्याय जो अयोध्या के मेयर साहब हैं, तो ये दोनों गवाह हैं। पाँच मिनट बाद रवि मोहन तिवारी जी उसी 2 करोड़ की ज़मीन को 18.5 करोड़ में ट्रस्ट को बेच देते हैं। तो अगर ये घोटाला नहीं है, भ्रष्टाचार नहीं है, तो क्या है? अच्छा, गवाह आपके कौन है? आरएसएस के सरसंघचालक और राम मंदिर के ट्रस्टी साहब, और दूसरे गवाह अयोध्या के मेयर साहब। आज उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है या कल कहा था कि जांच को नियुक्त कर रहे हैं। जांच कौन कर रहा है? जिला अधिकारी के लेवल के
अधिकारी कर रहे हैं, मतलब जिला अधिकारी के स्तर पर ये जांच हो रही है। राम मंदिर ट्रस्ट को उच्च न्यायालय के आदेश के आधार पर बनाया गया, तो ये जांच भी उच्च न्यायालय द्वारा होनी चाहिए, क्योंकि जिला अधिकारी के स्तर का इंसान मेयर को नहीं जांच सकता, ये तो आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। क्या हुआ है कि राम मंदिर के आसपास जितनी भी ज़मीनें हैं उस पर लूट लगी हुई है। भाजपा के जो नेता हैं और अधिक पदाधिकारी हैं और जो सरकारी अधिकारी हैं श्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के, वो सब लूट में मिले हुए हैं। और ये तो एक ही मिसाल है, सुरजेवाला जी आपको इस पर थोड़ा और बताएंगे, लेकिन वहाँ पे कितनी ज़मीन है, कितने हज़ारों का घोटाला किया गया है नहीं मालूम। बात यह है कि राम, भगवान राम मर्यादा नैतिकता के प्रतीक थे, सत्य के पथ पर चलने के लिए तैयार। उन्होंने कितना बड़ा बलिदान दिया, किस लिए? क्योंकि उन्होंने सत्य के पथ पर चलने का उन्होंने निर्णय लिया था। अब उनके नाम पर भी आप भ्रष्टाचार कर रहे हैं, पूरे देश की आस्था को ठुकरा रहे हैं, उस पर चोट पहुंचा रहे हैं, तो एक बहुत गंभीर बात है, इसीलिए हम यहाँ हैं। और मैं चाहती हूँ कि सुरजेवाला जी इस पर थोड़ा सा इलैबोरेट करें। शुक्रिया प्रियंका जी। प्रियंका जी ने जो उदाहरण दिया साथियों, ये अपने आप में राम नाम के नाम पर प्रॉपर्टी डीलर और भाजपाई नेता कैसे लूट कर रहे हैं, ये उसका जीता जागता सबूत है। 15 नवंबर 2017 को 2.3 हेक्टेयर जमीन 2 करोड़ रुपए में बेची गई, उसका रजिस्टर्ड सेल डीड हमारे पास है, प्रियंका जी की तरफ से हम आपको भेज रहे हैं, ये वो सेल डीड है। इस जमीन पर FIR दर्ज कर दी गई, वो भी कहां? राम जन्मभूमि पुलिस स्टेशन जिला अयोध्या में 22 अप्रैल 2018 को, कि ये जमीन बेची ही नहीं जा सकती क्योंकि ये जमीन निजी ही नहीं है। ये वो FIR है जो हम आपको भेज रहे हैं। तो ये जमीन बेची ही नहीं जा सकती थी और बाकायदा यूपी पुलिस ने ये FIR दर्ज की है। 18 मार्च 2021 को, जैसा प्रियंका जी ने बताया, इस जमीन का आधा भूभाग जो 10,370 वर्ग मीटर है, खरीदने वालों ने, जिन पर FIR दर्ज है कि आप ये बेच ही नहीं सकते, उन्होंने 8 करोड़ रुपए में राम मंदिर ट्रस्ट को टिका दिया। ये वो सेल डीड है, इसकी कॉपी भी हम आपको भेज रहे हैं। इस पर बाकायदा चंपत राय जी ने राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से खरीदी, चंपत राय जी जो RSS के पूर्व लीडर हैं और मोदी जी ने जिन्हें राम मंदिर ट्रस्ट का सचिव बनाया है, और इस सेल डीड पर भी अनिल मिश्रा ट्रस्टी राम मंदिर ट्रस्ट और ऋषिकेश उपाध्याय मेयर भाजपा अयोध्या के दस्तखत हैं। तो पहली बात तो आधी जमीन ही 8 करोड़ में रख ली। उसके जैसा प्रियंका जी ने बताया, 18 मार्च 2021 को ही 7:10 पर शाम को 12,080 वर्ग मीटर जो उसका दूसरा हिस्सा था जमीन का, वो रवि मोहन तिवाड़ी ने सिर्फ 2 करोड़ में खरीदा। तो ट्रस्ट तो 10,000 वर्ग मीटर 8 करोड़ में खरीद रही है, पर उसके 19 मिनट के बाद एक प्राइवेट व्यक्ति वही जमीन का दूसरा हिस्सा 2 करोड़ में खरीद रहा है, उससे बड़ा हिस्सा, उससे भी बड़ा हिस्सा, और उस पर 12,000 है वो 10,000 जी, और उस पर ट्रस्टी साइन कर रहा है। तो ट्रस्ट को पता है, जब राम मंदिर ट्रस्ट का ट्रस्टी साइन कर रहा है तो उन्हें पता है। और 5 मिनट के बाद ये वो है जो उन्होंने खरीदा 2 करोड़ में, ये सेल डीड भी हम आपको भेज रहे हैं। और उसके 5 मिनट के बाद 7:15 पे, जैसा प्रियंका जी ने बताया, वो 2 करोड़ की जमीन इसी राम मंदिर ट्रस्ट को 18.5 करोड़ में टिका दी जाती है, बेच दी जाती है। इस पर भी चंपत राय सचिव के दस्तखत हैं राम मंदिर ट्रस्ट के, और इन्हीं दोनों लोगों के, अनिल मिश्रा के, इस पे भी दस्तखत हैं।
और उसी उपाध्याय के दस्तखत हैं, तो उन्हें पता है कि 2 करोड़ की जमीन 5 मिनट में खरीदी थी, उसके बाद बेच दी। ये दुनिया की, प्रियंका जी मुझे कह रही थी कि दुनिया की सबसे जल्दी महंगी होने वाली जमीन है, क्योंकि ये 5,50,000 रुपया प्रति सेकंड से बढ़ रही थी, तो ये शायद दुनिया की सबसे महंगी वाली जमीन होगी। एक बात और है जो आपने अभी बताया भी, 5 बजे के बाद कौन सा तहसील का कार्यालय खुलता है भैया? यहां तो 7:10, 6:51, 7:15 पे रजिस्ट्री हो रही है। और एक उससे भी कमाल की बात है, जब ये जमीन बेची गई तो जो ट्रस्ट ने स्टैम्प पेपर खरीदा वो तो खरीदा 5:22 पर रवि मोहन तिवाड़ी ने, ट्रस्ट ने खरीदा 5:11 पर, और रवि मोहन तिवाड़ी ने खरीदा 5:22 पर। इसका मतलब कि मुझे आपको अगर जमीन बेचनी है तो मैंने जब खरीदी ही नहीं थी, आपने उससे पहले ही खरीद ली, ये समझ के कि हाँ इसको सपना आ गया ट्रस्ट को कि हाँ अमुक आदमी खरीदेगा, उसके बाद मैं उससे खरीदूंगा 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में, तो फ्रॉड बिल्कुल साफ है। और जब इस जमीन पर FIR थी तो इसे बेचा कैसे गया? एक दूसरा हिस्सा मुझे प्रियंका जी ने कहा था कि मैं आपके संज्ञान में लाऊं, वो है कि अयोध्या के जो मेयर हैं ऋषिकेश उपाध्याय, उनके एक और भतीजे हैं जो भाजपा के IT सेल के नेता भी हैं, हम उनका प्रोफाइल भी आपको रिलीज कर रहे हैं, उनका नाम है दीप नारायण उपाध्याय, ये उनका फेसबुक प्रोफाइल है वो, और इन्होंने लिखा है कि ये मेयर साहब जो हैं ये इनके मामा हैं, इसी के दूसरे पन्ने पर उन्होंने लिखा हुआ है, तो हम आपको ये भी रिलीज कर रहे हैं। इन महाशय ने एक और जमीन खरीदी 20 फरवरी 2021 को, वो ये सेल डीड है, और ये खरीदी इन्होंने 20 लाख रुपए में। उसके 79 दिन के बाद इसी दीप नारायण ने, जो भाजपा मेयर का भतीजा है, यही जमीन 20 लाख की 2.5 करोड़ में बेच दी राम मंदिर ट्रस्ट। इस पर भी चंपत राय, अनिल मिश्रा, इन सब के दस्तखत हैं। तो एक चपत ये और लगा दी मंदिर के पैसे की चोरी की। एक फिर तीसरा है, इसी उपाध्याय साहब ने एक गिफ्ट डीड ले ली एक और जमीन की मुफ्त में, ये वो है, ये भी हम आपको भेज रहे हैं, 676 वर्ग मीटर है। और फिर 20 फरवरी 2021 को ये भी 2 करोड़ में राम मंदिर ट्रस्ट को बेच डाली। तो चंदे की चोरी का इससे बड़ा, ये 10 के 10 कागजात सेल डीड सहित हम आपको भेज रहे हैं, इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है? अब मैं प्रियंका जी से अनुरोध करूंगा कि आगे वो अपनी बात कहेंगी। वी विल सेंड यू एवरी पेपर। They can ask questions. ma'am, shall we? Sorry? So as Surjewala ji just explained, the money from the Ram Mandir Trust is being basically misused to benefit government officials and members of the BJP and the RSS. There is a clear transaction here where a piece of land, which was sold in 2017 to a certain person, was then sold by that person in 2 parts. The first part, which was 10,000 square meters, was sold to directly to the Ram Mandir Trust for 8 crores. The second part, which was 12,000 square meters, 19 minutes later, so we're talking about the same piece of land. We've sold one piece of it, 10,000 square meters, let's say at 6 o'clock. And 19 minutes later, we are selling the second part of the same land, slightly larger part,
12,000 square meters to a certain Ravi Mohan Tiwari for 2 crores. So you have a piece of land, half of it is going for 8 crores, the other half is going, slightly more than the other half, is going for 2 crores at the same time, approximately. 5 minutes later, this Mr. Ravi Mohan Tiwari is selling that 2 crore piece of land for 18.5 crores to the trust, which means basically the trust is paying 8 crores plus 18.5 crores for a piece of land, which is probably just a little more than 2 crores. Who are the witnesses on these sale deeds? It's the mayor of Ayodhya and a trustee who has been the Sarsang Chalak of the RSS. I'll just read his name again because his name slips my mind. Anil Mishra and the mayor, Sri Rishikesh Upadhya. These are the witnesses to this sale deed. And it is within 5 minutes that it is sold to the trust from 2 crores to 18.5 crores. That means you've made a profit of 16.5 crores within 5 minutes. Who's making the profit? A BJP person. And this is happening repeatedly in the other transactions. Land from Dalits, which is not allowed to be sold, has also been bought by the trust and therefore been sold wrongly. Bought by some officers. Or it's bought by some officers, sorry, not by the trust directly. And then sold to the trust? Not yet, ma'am. Okay. So land has been taken from, illegally taken for this purpose by some officers. Basically what is happening is that in the area around the Ram Mandir, people from the BJP, office bearers from the BJP, workers of the BJP and the RSS, trustees, some of the trustees clearly, and some big officials of the BJP, are buying and selling land to benefit themselves and actually using the trust money for this purpose. So people have given money for this trust from all over India. I have been to the houses, villages and houses of people in UP where women have told me that even the money, some of the money that they had saved up out of that, they have given to the trust. And it's being obviously blatantly misused and there's wholesale corruption happening. The other thing is that the UP government has apparently announced that it's going to hold an inquiry into this matter. But who is holding the inquiry? An officer of the level of the district magistrate. Now you have the mayor as a witness on a sale deed, and you are expecting, obviously you're not expecting any inquiry to happen because you have put a person of a district magistrate level in charge of the inquiry. So it's clear that no real inquiry is going to take place. What we are saying is, the trust was formed on an order of the Supreme Court. The inquiry should be done at that level. It should be done at the level of the Supreme Court. So that is the... Thank you, ma'am. We'll take questions now, one by one. We'll start with PTI, Sanjeev. It's absolutely, that is my view. It is my view that the court, perhaps even suo motu, should intervene because here we are talking about the faith of millions and also the fact that millions of people, not necessarily well-off people, poor people, also have given their savings to this trust. So there is some moral responsibility owed to them. And it's very clear that an officer of that level cannot investigate the mayor of Ayodhya. Thank you, ma'am. Siddharth from ANI. Puri tarah se... हम तो ज़रूर लेके जाएंगे. हम लेके जा भी चुके हैं. जब से ये शुरू हुआ जून में, तब से काफ़ी आंदोलन भी हुआ है उत्तर प्रदेश में इस पर, और हम इसको लगातार करेंगे. लेकिन इसकी नैतिक जिम्मेदारी तो मेरे हिसाब से तो श्री योगी आदित्यनाथ तक नहीं है. ये उन पर नहीं रुकती है. ये नरेंद्र मोदी जी, जो प्रधानमंत्री जी हैं, उन तक जाती है क्योंकि एक नैतिक जिम्मेदारी है. सबने इसके लिए चंदा दिया है.
जैसे मैंने कहा, गरीब लोगों ने दिया है, माताओं ने दिया है, बहनों ने दिया है, अपनी जो बचत थी उसमें से दिया है, आस्था की वजह से दिया है। तो इस आस्था को इस तरह से चोट नहीं पहुंचा सकते। और जब आपने अभियान किया है इस चंदा को इकट्ठा करने के लिए, तो जिम्मेदारी तो आप ही की है ना कि चंदा को ठीक से इस्तेमाल किया जाए। अगर उस चंदा पर भ्रष्टाचार हो रहा है और वो चंदा किसी की जेब में जा रही है, तो किसकी जिम्मेदारी? आप ही की है। थैंक यू मैम। रवि सिसोदिया फ्रॉम न्यूज 18। आप बताइए, कोई जिला अधिकारी मेयर पे जांच कर सकता है? और ये जो ट्रस्टी हैं, ये राम मंदिर ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं, इस पर कोई जिला अधिकारी की किसी आप यूपी आइए और मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी जिला अधिकारी की हिम्मत नहीं है कि वो बड़े ऐसे इतने बड़े सरकारी पद पे जो बैठे हैं उन पर जांच की जाए। ठीक है, तो ये ऑब्वियसली ये जांच इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कुछ कहना है, इस मामले को निपट लिया और आगे बढ़े, लेकिन ये बहुत बड़ा मामला है। थैंक यू मैम। आशीष फ्रॉम ABP। जी ना आएगा। Ashish mix questions because I will let's take one question at a time. We'll take it in a second round. पूछ लीजिए। लखीमपुर कांड को लेकर के MOS केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स ने कहा कि बड़ा छोटा मोटा होता है, अगर आप दोनों पे मुझे। देखिए, जो दोनों बातें आप कह रहे हैं, चाहे लखीमपुर हो चाहे ये हो, ये पूरी तरह से ये स्पष्ट करते हैं कि सरकार का नजरिया क्या है, उसकी मानसिकता क्या है। जो लखीमपुर में हुआ आप सब अच्छी तरह से जानते हैं किसने किया, और आप सब अच्छी तरह से ये भी जानते हैं कि आज तक उनके पिता की बर्खास्तगी नहीं की गई है। और वहाँ पे भी जैसे मैंने कहा, कोई अधिकारी, किसी भी अधिकारी की हिम्मत नहीं हो सकती। अगर इतने बड़े मंत्री के बेटे ने ऐसा काम किया है कि उस पर ठीक ढंग से जाँच करें। वही हमने उस मामले में कहा, वही हम इस मामले में कह रहे हैं। इस मामले में मैंने कहा, मेयर साहब का हस्ताक्षर है, राम मंदिर के ट्रस्टी के हस्ताक्षर हैं जो RSS के सरसंघ चालक हैं, और आपने पूरी जांच एक जिला अधिकारी के स्तर के इंसान को दे दी है कि आप जांच करिए। तो ये स्पष्ट है कि ये जो सरकार है, इसकी मानसिकता ये है कि ऐसा जब होता है, जब कोई अपराध हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, तो सच्ची जाँच नहीं कराना चाहते, क्योंकि असलियत यह है कि उन सबको मालूम है कि क्या हो रहा है, और हो सकता है कि भागीदार भी है उसमें। थैंक यू मैम। विक्रांत फ्रॉम TV9। कह रहे हैं DIG ने भी खरीद रखी है, तो सब लूट में शामिल है। अभी हमने इस पर निर्णय नहीं लिया है, लेकिन आपस में हम डिस्कस करके हम तय करेंगे कि अगर करना है तो जरूर, अगर सब लीडर्स विक्रांत जी, जनता की अदालत में तो प्रियंका जी ये लड़ाई लड़ ही रही हैं, और जनता की अदालत कई बार, माफ कीजिए, कानून की अदालत से भी बड़ी है, और जरूरत पड़ी, जैसा आपने कहा, हम विचार विमर्श करके कानूनी राय लेके इस पे निर्णय कर लेंगे। सुप्रिया जी फ्रॉम आज तक। सिचुएशन ये है कि लोकतंत्र को ख़त्म किया जा रहा है,
और ये है कि चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे अत्याचार हो, चाहे हत्याएं हो किसानों की, इन सब बातों पे ना चर्चा हो रही है ना जांच कभी होगी, क्योंकि सरकार जानती है कि क्या हो रहा है, सरकार उसमें पक्षधार है, सरकार नहीं चाहती कि सच्ची जांच हो, और ये नहीं चाहती कि एक लोकतांत्रिक तरह से इस पर कोई भी चर्चा हो, क्योंकि चर्चा होगी आप सबको अब मजबूर हो जाएंगे दिखाने के लिए, अगर पार्लियामेंट में चर्चा होगी लोग देखेंगे, जनता समझ जाएगी। थैंक यू मैम। न्यूज 24 रमन। अब जांच तो मैं खुद कर नहीं रही हूँ, तो मैं किंग पिन कौन है क्या? देखिए, बगैर सही जांच के मैं नहीं कह सकती कि कौन किंग पिन है। ये बहुत स्पष्ट है कि इसमें जैसे मेयर साहब के हस्ताक्षर हैं, एक नहीं दो ट्रांजैक्शन में उनके हस्ताक्षर हैं, ये जो ट्रस्टी हैं मिश्रा जी इनके भी हस्ताक्षर हैं, तो ज़रूर ये लोग इन्वॉल्व हैं। अब इसके अलावा कौन कौन इन्वॉल्व है, कौन क्या कर रहा है, ये तो जाँच ही बता पाएगी, लेकिन हम चाहते हैं कि एक निष्पक्ष जाँच हो। थैंक यू मैम। NDTV सुनील। How can a government inquire about itself? I agree with you. So I'm asking you, if the accusation is against a government, how can they decide that they are going to inquire and decide who is right and who is wrong themselves? That is the whole point I'm making. The point is that these are, sorry I'm interrupting you, but the point is that all these are government officials. Even the statement I made the other day refers to the government. And it's just that in every single case, you cannot just order a small little inquiry at whatever level you feel like and say, we've ordered an inquiry, the matter is over. Especially when you are the person, or you, not the person rather, that you are the entity that has been accused of something. And that is exactly what I'm saying in Lakhimpur Kheri case as well. I'm saying that here is the son of a minister who has committed a heinous act, and you are ordering an inquiry with the minister still in his seat. And he is no less than the state minister for home. Same thing we are saying here. You cannot order an inquiry at the level of a district magistrate, and the person who has signed the papers is the mayor. It's absolutely ridiculous. So who are you trying to fool? Sunil, I'll come back to you. Vivek Srivastava from Rajasthan Patrika. देखिए, अगर आप दो साल पिछले दो सालों को देखें तो उत्तर प्रदेश में जितने भी विपक्षी दल हैं, हमारे अलावा किसी ने आंदोलन नहीं किया है, कोई सड़क पे नहीं आया है, कोई किसी ने जनता के मुद्दे नहीं उठाए हैं। अब इसकी वजह क्या है, मेरी तो समझ से बाहर है। मेरी समझ से बाहर है कि मायावती जी इतनी चुप क्यों हैं, मेरी समझ से बाहर है कि अखिलेश जी दो महीनों पहले क्यों अचानक जाग गए चुनाव के पहले, इससे पहले इतने अपराध हुए, इतना गलत हो रहा है पूरे प्रदेश में, कभी बाहर नहीं निकले, कभी कुछ नहीं कहा। तो लड़ तो हम ही रहे हैं, पिछले दो सालों से लगातार हम लड़ाई लड़ रहे हैं जनता की, हम उनकी आवाज़ उठा रहे हैं, जहाँ जहाँ अत्याचार हो रहा है, गलत हो रहा है, हम पहुँच रहे हैं, क्योंकि किसी को आवाज़ उठानी पड़ेगी और लड़ना पड़ेगा, और हम अपना कर्तव्य समझते हैं कि हम जनता के लिए लड़ें। उमा शंकर। तो मैं कह रही हूं कि हम उनके लूट में विघ्न डाल रहे हैं, कि जो राम मंदिर के लिए जो जनता ने अपनी पूरी आस्था के साथ
जो चंदा इकट्ठी कराई उसको लूट रहे हैं और हम उसमें बाधा डालेंगे, उस लूट में बाधा डालेंगे। थैंक यू मैम, आई थिंक वी विल वाइंड अप एंड वी विल कैरी ऑन अनदर टाइम।